दिल्ली लॉयर्स एसोसिएशन के प्लेटफार्म पे एक डेलीगेशन अभी डिस्ट्रिक्ट जज हेडक्वार्टर संजय गर्ग साहब से मिला है। ग्रीवेंसेज हमारी ये थी कि आपको ध्यान हो वेकेशंस कोर्ट के अंदर वेकेशंस अभी समर वेकेशंस थी तो राउज वेन्यू कोर्ट में 20 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी की बेल लगी थी और न्याय बिंदु जो डेजिनेटेड कोर्ट थी उन्होंने बेल ग्रांट की थी। जैसे ही वो बेल ग्रांट होने हुई उसके नेक्स्ट डे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर वहाँ के जज इंचार्ज ने निकाला, उसके खिलाफ हम लोग अभी डिस्ट्रिक्ट जज साहब से मिलकर आए हैं और हम लोगों का एतराज है कि ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कि जिसमें ये कहा जाए कि वेकेशंस कोर्ट जो हैं वो कोई फाइनल ऑर्डर नहीं देंगी, वो किसी भी मैटर के अंदर सिर्फ नोटिस इशू करके और रेगुलर कोर्ट के पास भेजेंगे, जबकि वेकेशंस के अंदर जो कोर्ट बैठती है उसके पास पूरी पावर होती है। तो इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, क्योंकि ये पॉलिटिकल दबाव में अरविंद केजरीवाल जी की जब बेल होती है तो तुरंत बाद ऐसा ऑर्डर आना, ये जाहिर करता है कि इस देश के अंदर संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। इस तरीके की दबाव देके ईडी ने जिस तरीके से हाईकोर्ट के अंदर बिना ऑर्डर के उस ऑर्डर को स्टे करवाया, ये सब चीज़ों की चिंता जाहिर करने के लिए आज लीगल फ्रेटर्निटी ने अपना एक रिप्रेजेंटेशन दिया है। साथ में हम लोगों ने एक बात और उठाई है, हम लोग जब भी किसी कोर्ट के अंदर अपनी सबमिशंस देते हैं तो वो रिकॉर्ड पे नहीं आती हैं, जजेज उस सबमिशंस को दरकिनार करके और अपना फैसला सुनाते हैं, जबकि ये मैंडेटरी है। अगर जज के सामने कोई भी सबमिशंस लॉयर ने दी है तो वो रिकॉर्ड पे आनी चाहिए, वो एतराज भी हमने डिस्ट्रिक्ट जज साहब को दिया है। डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने हमारे को सुना और उन्होंने ये एश्योर किया कि इस पर वो जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। हमारे को ऐसा लगता है कि न्याय बिंदु, देखिए आज हमारी पिटीशन को एडमिट करते हुए 17 जुलाई के लिए सीबीआई को रिप्लाई देना है। सीबीआई की अरेस्ट हम लोगों ने चैलेंज की है, ना 41A का नोटिस कंप्लायंस किया, वो अरेस्ट बिल्कुल गलत है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आपको ध्यान होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक स्टेटमेंट दी थी 4 जून को मनीष सिसोदिया जी की बेल के पे जब आर्ग्यूमेंट चल रही थी, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये कोर्ट के सामने कहा था कि हम लोगों की इन्वेस्टिगेशन ईडी और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, हमारी चार्जशीट ऑलमोस्ट तैयार है, कभी भी हफ्ते दो हफ्ते में वो चार्जशीट फाइल होने वाली है। तो 26 तारीख को 3-4 हफ्ते बाद ऐसी क्या वजह रही कि जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई थी, जो चार्जशीट कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया जाता है। अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट के बाद अब कहते हैं सप्लीमेंट्री चार्जशीट और फाइल करेंगे, तो उस अरेस्ट को भी हमने चैलेंज किया है, जिसको कोर्ट ने एडमिट करते हुए 17 जुलाई के लिए रखा है। सिटीजन के से लेकर देश के मुख्यमंत्री और मंत्री तक अगर कोई एक उम्मीद बाकी है तो वो देश के न्यायालय हैं, और देश के न्यायालयों से हम उम्मीद ये करते हैं कि देश के न्यायालय किसी प्रेशर में काम ना करें। देश के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने ये कहा है बार बार कि सारी कोर्टें बिना दबाव में काम करें, किसी तरह के दबाव में आके काम ना करें, लेकिन ये प्रेशर टैक्टिक्स है इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, इसीलिए लीगल फ्रेटर्निटी का एक जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को निभाते हुए आज हम लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है। और संस्था के अध्यक्ष मुकेश ढाल जी हैं, आप इनसे भी कमेंट जरूर लें।